बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब, जो कि मक्का सऊदी अरब से ऑनलाइन और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग स्टार्टर्स की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह जनाब फिर आपके साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि पूछा जा रहा है न्यू मर्सिडीज़ गुलजार के हवाले से। न्यू मर्सिडीज़ गुलजार के हवाले से पहले भी मैं ये जो टॉपिक है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा तफसील से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं और कहां कहां आप मूव कर सकते हैं और कहां कहां आपको फायदा है। तो इसके लिए जनाब मैं आपको कंप्यूटर पे मैप पे लेके जाता हूं, तो आइए चलते हैं मैप पे, वहां मैं आपको तफसील से बता देता हूं कि क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या हालात है। अच्छा, ये हम मैप पे आ गए हैं जी। ये मैंने आपको पहले बताया था ये जो GT रोड है जी, लाहौर टू इस्लामाबाद या इस्लामाबाद टू खारियां, खारियां टू लाहौर, ये मेन GT रोड। ये जनाब एंट्रेंस, ये भी इस साइड पे भी ये एंट्रेंस और इस साइड पे भी ये भी एंट्रेंस है, ठीक है जी, ये वाली, ठीक है जी, और दूसरी साइड पे ये एंट्रेंस बन गई है, ठीक है। और ये सारे के सारे अर्ली बर्ड ब्लॉक ओके हो गया। और ये आपको एक लाइन नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये होगी रेलवे लाइन है जो, ये है रेलवे लाइन, ठीक है जी। इस रेलवे लाइन से पहले पहले इस साइड पे ये जितना भी है ये सारा अर्ली बर्ड ब्लॉक है, ये सारे का सारा अर्ली बर्ड ब्लॉक है मेन GT रोड के ऊपर है जो। उसके बाद जनाब शुरू हो जाता है ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक। ए साउथ ब्लॉक इस साइड पे, ये वाला ये सारा ए साउथ ब्लॉक है जी, ठीक है, ये सारे का सारा ए साउथ ब्लॉक। और ये जो है जी ये सारा मेन रोड के इस साइड पे ये सारा बी ब्लॉक है, ये सारा भी ब्लॉक। बात करेंगे हम जो प्लाट जनाब आप मूव कहां कहां कर सकते हैं। आपको मैंने ये बताया था ये जो हिस्सा है ये सारे का सारा डेवलप हो चुका है, रोड्स बन चुकी हैं सारी की सारी, ठीक है जी। और मस्जिद फरख पे काम हो रहा है, मस्जिद फरख पे काम हो रहा है। बटरफ्लाई गार्डन के जनाब बिल्कुल लैंड रेडी है, इस पर अभी काम होना है। गुलशन फातिमा पार्क, इस पर अभी काम होना है, ठीक है जी। रोड्स का जहां तक ताल्लुक है रोड्स इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ये जो हिस्सा है ए साउथ ब्लॉक का, ये जोन वन कह लें, ये एरिया कह लें, ये एरिया जो रेडी हो चुका है, रोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अस्फाल्ट हो चुकी है, साइडों में जो कर्व स्टोन है वो जनाब कुछ के लग रहे हैं और कुछ के लग चुका है, और साइड वॉक कुछ के बन रही है और कुछ के बन चुकी है। मसलन अगर जो बन चुकी हैं वो मैं आपको बताऊं तो 75% जो काम है 80% वो हो चुका है, ठीक है, बाकी 20% इसमें काम रह गया। इसके अलावा आपका जनाब प्लाट है, आपकी जो फाइल है वो जनाब बी ब्लॉक की है, बी सेंटर ब्लॉक की है, सी ब्लॉक की है, या किसी भी उसके लो कास्ट ब्लॉक की है, या किसी भी ब्लॉक की है, ठीक है जी। आप कह रहे थे कि जनाब कहाँ हम मूव कर सकते हैं, बेस्ट मैं आपको ये एरिया बताऊंगा, इस एरिया में आप मूव कर सकते हैं। वैसे तो ए साउथ ब्लॉक की ये जो हिस्सा है ये क्लॉक टावर वाला जो जोन है, ठीक है, इसकी ये जो 7 मरला वाली कटिंग है ये भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी रेडी हो चुकी है, ये रेडी हो रही है, इस जगह पे रोड्स बन चुकी हैं, ये सारी अस्फाल्ट हो गई है, ठीक है जी, ये सारा रेडी है। अब आप जनाब पूछ रहे थे कि कहाँ मूव कर सकते हैं, मूव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हैं। उसके बाद आपको जनाब 6 मरला की जो कटिंग है वो ये आपको आपके सामने है, यहां आप मूव कर सकते हैं, ये जो प्लॉट्स हैं यहां आप मूव कर सकते हैं। आपको बताता चलूं ये रोड्स बन चुकी हैं, ठीक है जी, ये रोड्स बन चुकी हैं, इनमें अगर इससे पहले यहां प्लॉटिंग इसलिए नहीं की गई कि यहां पहले इनका ये जो मैनेजमेंट का ये दिल था कि यहां हम विलाज बनाएंगे, ठीक है, 6 मरला के विलाज बना के सेल करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्लाट्स कर दिए कि यहां हम 6 मरला के प्लाट ही देंगे। सो आपको ये 6 मरला की ये जो कटिंग है ये आपको नजर आ रही होगी, यहां आप मूव कर सकते हैं और अपनी फाइल को यहां मूव करवा सकते हैं। आपकी फाइल फर्ज करें कि है जी 20 लाख की है, आपने ये तकरीबन 35 लाख या 3400 साढ़े 34 लाख कंप्लीट करना है, ठीक है जी, वो और पेमेंट दे के आपने यहां मूव कर सकते हैं। आपकी फाइल 10 लाख की है, फॉर एग्जांपल आपने
अपनी इजाफी पेमेंट दे के 34.5 लाख 35 लाख कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ एक 6 मरले का जो प्लाट है वो 35 लाख का दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है जी। उसके अलावा आपको फिर ये बता दूं जी, अगर आप मूव कर रहे हैं किसी भी ब्लॉक से, यहाँ आप मूव कर सकते हैं, आप यहाँ मूव करना चाह रहे हैं, आप यहाँ मूव करना चाह रहे हैं, आप यहाँ मूव करना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, तो सोसाइटी में जो मैनेजमेंट है जो उन्होंने कहा था अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, आप सारी पेमेंट दें तो आप यहाँ आ सकते हैं, तो शर्त ये थी कि जनाब आप उसी वक्त अपनी कंस्ट्रक्शन भी शुरू करें इधर, यानी अपना घर बनाना शुरू करें उसी वक्त। लेकिन आपके लिए जनाब ये आप बता दूं, खुशी की न्यूज़ है, खुशी की खबर है कि अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। आप किसी भी ब्लॉक से मूव कर सकते हैं, यहाँ 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 किसी भी प्लाट में, आप चाहे ए अर्ली बर्ड ब्लॉक में मूव कर सकते हैं। वो जो शर्त थी कि आप उसी वक्त बनाना भी शुरू करें, वो शर्त ख़त्म कर दी गई है कि बस आप मूव कर सकते हैं, आप प्लाट यहाँ हासिल कर सकते हैं। रोड यहाँ बन चुकी हैं सारे के सारे, ये कंप्लीट हो चुका है। इस एरिया में काम हो रहा है, मस्जिद फरख पे, बटरफ्लाई गार्डन में काम हो रहा है, इस पार्क में काम हो रहा है, तो इसलिए अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और कोई इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप लाजमी अभी इसमें घर भी बनाना शुरू करें, कंस्ट्रक्शन भी शुरू करें, इसमें वो कोई शर्त नहीं रखी गई, ख़त्म कर दी गई है वो शर्त। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो एक दोस्त है जी, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप ये बताएं कि मैं किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करूं, मैं लेना चाह रहा हूं प्लाट। तो मैं आपको बता रहा, काफ़ी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूं जी, मैं बिल्कुल भी आपको किसी भी सोसाइटी में, ये नहीं मैं कह रहा कि न्यू मेट्रोटिक गुजरहान में ही, किसी भी सोसाइटी में मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का इस वक्त मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपको इसका इसलिए इस वक्त बता रहा हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है बी ब्लॉक में या बी सेंटर ब्लॉक में, वहां से आप मूव कर सकते हैं लो कास्ट ब्लॉक में या किसी और ब्लॉक में, वहां से आप मूव कर सकते हैं इस जगह पे। यानी आप वो, मैं अब सीधी सी बात कर रहा हूं, फंसे तो आप हुए हैं, पैसे निकालेंगे तो आपको नुकसान होगा। हाँ, आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहां मूव कर सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन दी गई है। मैंने ये आहर पर यह सीधी बात आपको बताई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया जी न्यू मेट्रोटिक गुजरहान के हवाले से कहां कहां पे आप मूव कर सकते हैं, और न्यू इन्वेस्टमेंट का भी मैंने आपको बता दिया, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखें, अगर आप सबके रिस्क रोज में इजाफा करें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।